तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आई नो 97% ऑफ द पीपल, वो सवाल को नहीं सॉल्व करेंगे। और फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम पेपर में जाएं तो हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और हमसे कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। तो भैया उसके प्रपोर्शन में आपको घर पर भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। घर पे आप मेहनत करना नहीं चाहते, मेरे यहाँ पर पेन चलाकर सवाल सॉल्व करने से तुम्हारे वहां पर बैठे बैठे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, दिस इज नॉट रिलेटेबल। ये बात मुझे तो समझ में आती नहीं, पता नहीं आप लोग इसको क्यों मानते हैं। खुद पेन चलाइए, खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खुद आंसर निकालिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है घर पर आपके सवाल जो है वो ज्यादा टाइम ले रहे हो। घर पे बिताया हुआ टाइम सवालों के साथ हमारा पेपर में टाइम रिड्यूस करता है। तुम पहले ही एक चीज का बबल बनाए बैठे हो कि सर पेपर में इतना टाइम हम कहां से लाएंगे, घर पे तो मुझे इस सवाल को सॉल्व करने में 10 मिनट लगी। अरे भाई घर पे 10 लगाइए तभी तो वहां जाके 3 लगेंगी, तो घर पे भी नहीं लगाया तो वहां तो होगा ही नहीं वो सवाल सॉल्व। तो ये सब चीजें दिमाग में अभी मत कैलकुलेट करो, सर यहाँ पे तो इतना टाइम लग रहा है वहां कैसे होगा, वहां हो जाएगा। पहले आप यहाँ सीखो तो सही। मैं साइकिल चलानी सीखूं पहले दिन ही मैं बोल दूंगा भाई, अरे यार आज भैया मुझे आपने साइकिल चलानी सिखाई बट हाथ छोड़ के नहीं चलाई चलानी सिखाई। पहला ही दिन है मेरा साइकिल सीखने में और बोले हाथ छोड़ के चलानी नहीं सिखाई। जो सिखा रहा है वही भाग जाएगा, बोले तेरा दिमाग खराब है क्या भाई, पहले ढंग से चलानी तो सीख ले, हाथ तो बाद में छोड़ लेना। तो ये जो आपका है ना एक, मेरे को पता है आप लोग यही सोच रहे हैं कि भैया वहां पे पेपर में कैसे सवाल सॉल्व होंगे, होंगे, बट पहले आप सवालों के साथ टाइम यहाँ घर पे बिताइए तब जाके होंगे, ठीक है। और एक मजे की बात, जेई एडवांस ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है। जेई एडवांस की जो डेट है दैट इज 4th of June। तो मैंने आपको क्या बोला, पॉजिटिव पार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। हमारा शुरू से ही मेन टारगेट था जेई एडवांस। हम कभी भी सर जेई मेंस को, मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि हम टारगेट कर रहे हैं जेई एडवांस को, जेई मेंस हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर कर देंगे सर, इनफैक्ट रैंक ला देंगे उसमें। तो पॉजिटिव न्यूज क्या है कि सेकंड, जो आप लोग है ना बोर्ड सबसे ज्यादा 12th वाले बच्चे पिसते हैं, क्योंकि सर हमारे तो बोर्ड भी हैं, ये भी हैं, वो भी है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैंने कहा देख तुम्हें पिसने की जरूरत नहीं है, अब जब तुम अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, बोर्ड भी दे लोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट सब दे लोगे, उसके बाद में अप्रैल के पहले वीक में 10 तारीख तक आपके सारे फेसेस या सारे पेपर खत्म हो जाएंगे, सेकंड अटेम्प्ट भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में उनकी 4 जून तक है, 2 महीने सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। और मैंने जो बोला था डार्क हॉर्स कि वो ये टाइम होता है जिसमें लोग आगे निकल जाते हैं, और वो 2 महीने और जो वहाँ पे उनको गैप दिखाई दे रहा है जिंदगी में या जहाँ पे उनको टाइम इंटरवल मिल रहा है वहाँ पे वो आगे निकल जाएंगे मेहनत करके। सबसे पहली चीज जो आपको डाइवर्ट करे, जो आपके दिमाग को डिविएट कर दे उस लड़ाई के समय, उसको पहले